हाँ। मैंने तुम्हारे सारे कागजात देख लिए, लेकिन भाई मैं तुम्हें जॉब नहीं दे पाऊंगा। क्यों सर, अगर कागजात सारे ठीक ठाक हैं तो फिर परेशानी क्या है सर? नौकरी की मुझे बहुत जरूरत है सर। ये तो मैं समझा, लेकिन इसके बावजूद कोई बड़ा रिकमेंडेशन होता तो फिर मैं नौकरी दे सकता था। रिकमेंडेशन यानी सिफारिश? हाँ हाँ, मतलब कोई बड़ा आदमी या फिर नेता मंत्री, उनके सिफारिश के बिना तो मैं तुम्हारी किस्मत में नौकरी नहीं है भाई। हाँ। लेकिन विज्ञापन में तो आपने कहा था कि आपको 10वीं पास चाहिए। अरे हाँ, वो तो चाहिए ही, लेकिन अब तो आप कह रहे हैं कि आपको सिफारिश चाहिए। अरे भाई, क्वालिटी और क्वालिफिकेशन होने के बाद भी सिफारिश की जरूरत पड़ती है। हाँ। अब बिना नमक के कोई सब्जी बन सकती है क्या? बताओ बताओ। ठीक है, समझ गया, मैं देखता हूँ कि मैं कितना नमक डाल सकता हूँ। क्या नहीं, मतलब सिफारिश कितनी ला सकता हूँ ये देखता हूँ सर, चलता हूँ। भाई साहब एक चाय दीजिए ना। भागो 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 भागो। चुपचाप जो तुम्हारे पास माल है वो दे दो, ज्यादा ऊपर नीचे किया तो सर उड़ा दो। एक आइडिया आया है। पुलिस पुलिस पुलिस, तुम लोग भागो जल्दी। अच्छा तो सुन भाई, ये बैग तुम अपने पास रख लो, कल शाम को पार्क के पास मिलके मुझे दे देना, ठीक है? समझ गया ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुन, चालाकी मत करना। हाँ, नहीं तो ये देख रहा है ना, हमसे बचकर नहीं जा सकता, ये बात याद रखना, समझा? ठीक है, सोचता हूँ इसका क्या कर सकता हूँ। ओ हमारे साथ। भाई ये आ गया है, माल कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, लाया हूँ। हाँ, माल तो सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ, सब मिल गया ना? तुम तो बहुत ईमानदार आदमी हो। हेलो, हमारी सहायता करने के लिए तुम्हें 10% कमीशन, कल से तुम हमारे साथ काम कर सकते हो, तेरे जैसा ईमानदार ही हमें चाहिए। वाह, बिना रिकमेंडेशन के ही नौकरी, इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो बताइए मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, हम जहाँ जहाँ डाका डालने जाएंगे तू बस हमारे पीछे पीछे आना, हम डाका डालेंगे, तू बाहर पहरा देना। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। कल तू दोपहर 3 बजे पार्क में हमारा इंतजार करना, याद रहेगा? हाँ ठीक है, मैं याद रखूंगा, चलो मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। वाह, मेरी नई नौकरी तो वाकई कमाल की है और आमदनी भी अच्छी है। सुन, हम लोग ये सोने की दुकान पे घुसेंगे और तुझे अगर कुछ ठीक नहीं लगा तो तू पुलिस का सायरन बजाना, समझा? कर लेगा ना? याद रहेगा? पुलिस का सायरन? नहीं नहीं, तुम पुलिस के सायरन का आवाज मत करना, नहीं तो हम डर जाएंगे। फायर ब्रिगेड की घंटी का आवाज करना, समझ गए तुम? ठीक है। चल चल। भाई समस्या। अरे भाग रे भाग।
टाइम से पहुंच जाना, देर मत करना। भाई भाई सुनो। अरे बेवकूफ लोग, अरे ये तो सच में दमकल का सायरन था। वो उस तरफ भागा है, उस तरफ भागा है, पुलिस को फोन करो। अरे जल्दी कोई पुलिस को फोन करो, जल्दी करो। हाँ, सवार हुआ वो लाल रंग और हरा रंग का शॉर्ट पहना हुआ था। एक बार अगर वो हाथ में लग गया ना तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। चल अब जल्दी चलते हैं, कहीं वो निकल ना जाए। हाँ चलिए चलिए, हाँ जल्दी जल्दी पकड़ते उन्हें। मैं भी यहाँ से निकल चलता हूँ, अगर पुलिस आ गई तो फिर लफड़ा हो जाएगा। बस अब कोई पहचान नहीं पाएगा। किंतु भाई आपने चोरी का माल उस पटेल के हाथ में क्यों छोड़ा है? अरे पागल, उसे क्या अपने ग्रुप में ऐसे ही लिया है? अगर कोई पकड़ा जाएगा तो वो पटेल है, समझा? अरे पागल। ओह क्या दिमाग पाया है भाई आपने। चल चल अब चलते हैं, बाहर ज्यादा रहना ठीक नहीं है, समझा? आज तो ये माल वो दोनों मुझे देकर चले गए, पर क्या ये चोरी का माल उन्होंने गिना होगा? मुझे नहीं लगता। आज मैं थोड़ा सा माल छुपा लेता हूँ अपने लिए और इस माल को किसी पेड़ के नीचे छुपा देता हूँ। ये देखो पहरेदार आ गए हैं। दो दो माल दो। ये लीजिए। हाँ ठीक है, ये ले तेरा 10%। कल हम लोग एक बैंक लूटने जाएंगे, पक्का आएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगा। ठीक है कल सुबह यहीं आ जाना। ठीक है। वाह, अरे वाह, उन दोनों बेवकूफों को समझ में नहीं आया कि मैंने घपला किया है और मुझे कट भी मिल गया। अरे पटेल बाबू, इस महीने के इंसेंटिव के लिए तैयार हो जाओ। हाँ कल बड़ा हाथ मारूंगा। तू यही बाहर रुकना और क्या करना है ये तो तुझे अच्छे से पता ही होगा। हाँ हाँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यहाँ का सब कुछ संभाल लूंगा। अब इनको मैं मजा चखाऊंगा। ये बिल्कुल सही समय है पटेल, शुरू हो जा। हवलदार, हवलदार, ए हवलदार। बोलिए सर। देखो तो जरा कि कौन बाहर गाड़ी निकाल रहा है। गाड़ी लेके कोई बाहर नहीं जा रहा है सर, रास्ते के दूसरी तरफ बैंक के सामने एक आदमी सायरन की आवाज बजा रहा है। चलो जाकर देखते हैं। ए भाई ये तो पुलिस की सायरन की आवाज है ना? है, पुलिस आ रही है। चल 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 भागते हैं। ए डाकू डाकू डाकू, पकड़ो 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 इसे। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? चलो चलो चलो, आप मामा के घर घूम के आओ। चलो चलो, आया उठ पहाड़ के नीचे। अरे ओ पुलिस सर, मैंने कुछ नहीं किया है, सच कह रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। वो झूठा सायरन मैं इसीलिए बजा रहा था ताकि चोर लोग डर जाए सच में और डर कर वहाँ से भाग जाए। सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा तो ये बात है। मार मार और मार, और मार, नहीं, मार, नहीं, मार, नहीं, मार, नहीं, मार, छोड़ छोड़।